हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हूं दशवीर, मैं हूं वैश्य सुखराज। आज की वीडियो का टाइटल है भारत का ऐसा मायावी योद्धा जो भारत ने सिर्फ चीन को ठोकने के लिए बनाया है। मतलब चीन ने कोई पंगा लिया तो स्पेशली ये वेपन भारत के लिए नहीं चीन के लिए बना है और स्पेशली चीन को ठोकने के लिए भारत ने बनाया है। टेक्नोफीरिया का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई ये कौन सा योद्धा, कौन सा वेपन है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट दोस्तों, अब भारत विदेशों से हथियार खरीदने के बजाय खुद ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों को डेवलप करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए देश की अलग अलग डिफेंस इंडस्ट्रीज कई भविष्य के हथियारों को बनाने में लगी हुई है। ये ऐसे हथियार होने वाले हैं जो भविष्य में हमारी सेना की काफ़ी मदद करेंगे, खासकर चीन के साथ युद्ध में। इन भविष्य के हथियारों का सामना करना चीन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर 2024 तक भारतीय सेना में ये हथियार शामिल हो गए तो फिर भारत से चीन को भगवान ही बचा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फ्यूचरिस्टिक हथियारों के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है गूगल ग्लासेस। दोस्तों, इस पोर्टेबल डिवाइस की मदद से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए किसी इंटरनेट सपोर्टेड गैजेट की जरूरत पड़ती है। इस चश्मे में फोन, कैमरा, टैबलेट, जीपीएस समेत तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। बहुत ही हल्के वजन का यह चश्मा कई रंगों का मिलता है। हेड माउंटेड कंप्यूटर गूगल ग्लास आपकी आवाज के इशारों पर काम करता है। गूगल ग्लास ना केवल देश के नागरिकों की डेली लाइफ में मदद करेगा बल्कि युद्ध में सैनिकों और एजेंट्स के लिए डिटेल्स हेड अप डिस्प्ले यानी HUD प्रदान करेगा। गूगल ग्लास किसी भी चीज की आसानी से पहचान कर सकता है और उसका एक एनिमेशन हमें दिखाता है, यानी इसके मदद से हम किसी भी तरह के मिशन को कैसे अंजाम दे सकते हैं। इसे अच्छे तरह से ट्रेनिंग की जा सकती है। साथ ही गूगल ग्लास से अगर किसी चीज को देखा जाए तो ये उस चीज की पूरी जानकारी इसे पहने हुए शख्स तक पहुंचा देती है। मान लीजिए अगर हमारे सैनिक युद्ध में इसका इस्तेमाल करें तो हमारी सेना चीन के हथियारों को देखते हुए उसकी सभी जानकारी हासिल कर सकती है ताकि उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। नंबर 2 पर है सेल्फ प्रोपेल्ड ऑटोमेटेड होविट्जर AGM। दोस्तों, AGM आर्टिलरी फील्ड हमारे सैनिकों को कई दशकों तक आगे बढ़ाने वाली है। यह पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है और इसे मध्यम आकार के ट्रांसपोर्ट विमानों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर तैनात किया जा सकता है। जब आप अपने मेडुलर भागों को आसानी से स्वैप कर सकते हैं तो कस्टमाइजेबिलिटी एक बड़ा प्लस बन जाता है। यह AGM को एक डायनेमिक एग्जीक्यूशन के साथ फुल वर्सेटाइल टैलेंट की अनुमति देता है जो किसी भी तरह के युद्ध क्षेत्र में स्थितियों को संभाल सकता है। 27.5 टन वजनी इस होविट्जर में 155 mm की मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा यह 50 कैलिबर की M2 मशीन गन से भी लैस है। इसमें लगी मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि 400 किलोमीटर दूर तैनात चीन के टैंक, तोप, आर्मी बेस और हथियार डिपो को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। नंबर 3 पर है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। दोस्तों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कुछ इस तरह के हथियार है जो ढेर सारी ऊर्जा को केंद्रित करके किसी लक्ष्य पर प्रोजेक्ट करता है। यह ऊर्जा 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक हो सकती है। आपको स्पाइडरमैन 2 फिल्म का वह तो सीन जरूर याद ही होगा जिसमें डॉक्टर ऑक्टोपस अपने प्रयोगशाला में कुछ लेजर बीम को एक जगह फोकस करके एक छोटी सी चीज में ढेर सारी ऊर्जा भरते हैं जो धीरे धीरे एक बड़े ऊर्जा के एक बड़े गोले का रूप ले लेती है। इसे ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन अथवा कुछ लोग लेजर बीम के नाम से जानते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। नंबर 4 पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन। दोस्तों, इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को नष्ट करने में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, मिसाइल, नौसेना के जहाज आदि। आज सभी आधुनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन के इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर इतनी ऊर्जा छोड़ दी जाती है जिससे उसके उपकरण कुछ देर या फिर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी मिसाइल में लगे उपकरण कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दें तो फिर उस मिसाइल का क्या होगा? जी हाँ, वो मिसाइल वहीं पर गिर जाएगा। सोचिए, अगर चीन हम पर मिसाइलों से हमला करता है तो हम इस हथियार की मदद से उसे सीमा तक पहुंचने से पहले ही गिरा सकते हैं। नंबर 5 पर है लेजर वेपन।
दोस्तों लेजर वेपन भविष्य के आधुनिक हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार बनकर सामने आया है। इसके जरिए दूर स्थित किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए एक लेजर बीम छोड़ी जाती है जो उसमें कुछ ही देर में हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान भर देता है। बढ़ते तापमान की वजह से कुछ ही देर में लक्ष्य में धमाका हो जाता है या फिर उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में आपने कई बार बॉन्ड को अपनी कलाई घड़ी का इस्तेमाल करते देखा ही होगा जिसके जरिए वह मोटी से मोटी लोहे के दीवारों को चुटकी में काट दे रहा है। यह भी कुछ इसी तरह से काम करता है। जरा सोचिए अगर वही हथियार किसी घर जितना बराबर हो तो फिर वो कितनी तबाही मचा सकता है। शॉक वेब वेपन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि यह हथियार शॉक वेब प्रणाली पर काम करता है। इसके इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर शॉक वेब छोड़ा जाता है जिससे कि टारगेट में तुरंत धमाका हो जाता है। यह एक तरह से बम की तरह काम करता है जो टारगेट पर शॉक वेब के जरिए धमाका करता है और लक्ष्य कुछ ही देर में नेस्तनाबूत हो जाता है। अगर इस तरह का हथियार हमारी सेना चीन के खिलाफ युद्ध में करे तो एक झटके में ही हमारी सेना चीनी सेना को राख में बदल सकती है क्योंकि शॉक वेब अपने रास्ते में आने वाली सभी हथियारों और उपकरणों को तबाह कर सकती है जिसे किसी के लिए भी रोक पाना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही किसी हथियार से शॉक वेब को रोका जा सकता है। साउंड वेब वेपन, दोस्तों इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल उच्च ध्वनि या फिर सुपरसोनिक साउंड पैदा करने के लिए किया जाता है जो किसी भी इंसान के कान के पर्दों को आसानी से फाड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध जैसे हालात में अगर इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से सैनिकों के कान के पर्दे को फाड़ सकती है। यह कई तरह के उपकरणों को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। अगर युद्ध में हमारे दुश्मन के सैनिक के कान के पर्दे फट जाए तो अपने कमांडर या फिर अपने साथियों द्वारा मिलने वाली किसी भी कमांड को सुन नहीं सकेंगे जिसके कारण हमारा दुश्मन हमारे द्वारा किए गए किसी भी हमले का जवाब दे सकेगा। तो दोस्तों ये थे वो हथियार जो भविष्य में पूरी खत्म यार भाई कुछ भी कर सकता है बंदा, कोई इसमें वो नहीं होता। प्यार और जंग में बाकी सब कुछ जायज है और बाकी में ये ऐसे ऐसे वेपन पर्दा फाड़ दिया कानों का तो उनको कमांड ही नहीं आएगा। अच्छा लेजर वेपन आते ही जो चीजें उनको पहले से मतलब नकारा कर देगा, शॉक वेव मारने वाले वेपन। एक बात मैंने बहुत नोट की है, इंडिया जितने भी वेपन बना रहा है ना वो फ्यूचर को मतलब निराकार बना रहा है। आने वाले वक्त आजकल अमेरिका इंडिया ये चाइना ये फ्यूचरिस्टिक चीजें बना रहे हैं क्योंकि आने वाले दौर में एडवांस दौर होगा तो पहले से इंडिया खुद को प्रिपेयर। आने वाला दौर ऐसा आ गया ना, ये आ गया सारा मशीनी दौर। सारा अब वो दौर बहुत कम अब आगे जो जितने आज ज्यादा 20 साल या 25 या 30 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आगे उधर जगह ऐसे नहीं लड़ी जाएंगी कि भाई बॉर्डर में घुस गए और ये तबाही मचा दी। उस टाइम सबसे पहले तो जो जदीद हथियार है उससे जंगे लड़ी जाएंगी, उसके बाद दूसरी आर्मी घुसेगी किसी दूसरे। आजकल इतने एडवांस लेवल पे चला गया। आपका कैसे सारे वेपन्स के बारे में क्या कहना है और क्या आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा अपना बहुत ज्यादा।